क्वेश्चन नंबर दो है, किसी कक्षा अध्यापक ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों, तो यहां पर जो विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है वो टोटल हमें दे रखी है कितनी है, सिग्मा एफ या एन भी इसे कहते हैं, 40। साथ ही साथ कहा है कि अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की गई, तो ये एक सारणी दे रखी है उसके लिए। इसमें एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा हो उसका माध ज्ञात कीजिए। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। x को किस तरह से ज्ञात करते हैं, इन दोनों संख्याओं के जोड़ का आधा। तो यहां पर ध्यान से देखें हम, तो ये जो वर्ग अंतराल हमें दे रखे हैं वो कैसे हैं, कंटिन्यूअस नहीं है, मीन्स सतत नहीं है। ये कैसे हैं, असतत है, 0 से 6। यहां पर 6 का डिफरेंस है, नेक्स्ट वाले में जैसे ही जाएंगे 6 और 10 के मिड में कितना आ गया, 4 का डिफरेंस है। तो ये असतत है, इसलिए हमें इसे ध्यान से करना होगा। कैसे करेंगे, 0 और 6 के मिड की वैल्यू होती है 3, 6 और 10 इनका मिड का वैल्यू होता है 8, 10 और 14 के बीच में 12 है, 14 और 20 के बीच में 17 है, और यहां पर 20 और 28 के बीच में 24, 38 और 28 और 38 इसके बीच में रहेगा 35, 38 और 40 के बीच में 39। नेक्स्ट अब क्या निकालना है, एफ गुणा एक्स निकालना है। इसी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमें जो वर्ग अंतराल दे रखा है वो एक समान नहीं है। तो क्या करें, इनकी और इनकी गुणा करा लेते हैं, 11 तियां 33, 10 अट्ठे 80, 7 बारह 84, 4 और 17 की गुणा करेंगे तो 17 चौके 68, यहां पर 24 चौके 96, और यहां पर 33 आएगा, 33 और 3 की गुणा 99, और 39 एकम 39। सॉल्व करेंगे इसे, इन्हें जोड़ लेते हैं, क्या मिलेगा यहां पर, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू ये आएगा 499। माध्य निकालना है, माध्य एम बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे एन या फिर सिग्मा एफ। तो यहां पर सिग्मा एफ एक्स ये हमने निकाला है कितना है, 499 बटे ये कितना है 40, तो 40 से इसे भाग देंगे, अलग भाग दे लेते हैं 40 से 499 के लिए, कितना बार जाएगा 40 से कम 40, 9 बचे, 9 उतार लिया, 40 दूनी 80, 9 और ये 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, चौके 160, 3 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0, यहां पर 4 सत्ते 280, 2 बचे 0, पॉइंट लगा हुआ है 1, 0 बढ़ा लिया, 40 पंजे 200। तो ये आ गया कितना, 12.475, और ये औसत दिनों की संख्या पूछी है, तो इतना लगभग एक विद्यार्थी बार जो छुट्टी कर रहा है, अनुपस्थित रहा जितने दिन, वो आ गए 12.475 दिन। इसे इतना भी लिखा जा सकता है 12.48, जब दशमलव के बाद जो तीसरी संख्या 4 से बड़ी होती है तो
इस अंक में दूसरे वाले अंक में एक अंक जोड़ दिया जाता है, तो यह भी आंसर सही है। तो यहां पर ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3 है सॉल्यूशन। क्वेश्चन दिया है यदि 27, 23 x-4 x+4 15, 3 और 7 का समांतर माध 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 2 बार अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दिया है, माध हमें दे रखा है, माध m बराबर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, हिंदी में कहें तो सभी पदों का योग अपॉन में पदों की संख्या या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सभी पद हमें दे रखे हैं कितने, वो सारे के सारे यहां पर ऐड कर लेते हैं, 27, 23 x-4 + x+4 प्लस के 15, 3 और 7 पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद हमें टोटल दे रखे हैं 7 और माध्य इनका दे रखा है कितना 15। तो ये 15 कहां चले जाएंगे, ये 7 इसके गुणा में आ जाएंगे, 15 × 7 और ये सारे जोड़ लेते हैं, यहां से 4 और 4 ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, कैंसिल हो जाएंगे, एक्स और एक्स हो गया 2x प्लस बाकी सारे नंबर ऐड कर लेते हैं, यहां पर 7, 3, 10, 10, 5, 15, 3, 18, 18 और 7, 25 के 5 यहां से लगे 2, 2 और 1, 3, 2, 5 और 2, 7 ये मिल गया 15, 7, 105 इधर लेके आए 75 को, ये माइनस का हो गया बराबर 2x, यहां से हमें क्या मिलेगा, इसको माइनस कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 30 बराबर 2x, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 2 × 15 = 30 होता है, तो यहां से x का मान मिल जाएगा कितना 15 और हमें यही ज्ञात करना था, तो x बराबर आंसर आ गया 15। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक कॉलोनी के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए और हमें ये टेबल दे रखी है और कहा है प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ये हमें एक सारणी दे रखी है जिसमें पौधों की संख्या और घरों की संख्या दी गई है और हमसे पौधों की माध्य संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो कैसे करेंगे इसे, तो जो ये हमें दे रखे हैं इन्हें हम कहते हैं वर्ग अंतराल, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल और इसे CI से रिप्रेजेंट करते हैं। और घरों की संख्या जो यहां पर नंबर दे रखे होते हैं इन्हें हम कहते हैं बारंबारता और अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीक्वेंसी और F से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर हमें CI और F ये दे रखा है। सबसे पहले हम इसे कौन से मेथड से करेंगे उसे जानने के लिए ये बहुत ही यहां पर जो वर्ग अंतराल दे रखा है बहुत ही इनमें माइनर सा अंतर है, डिफरेंस है, तो इसे हम आसानी से प्रत्यक्ष विधि या दीर्घ विधि द्वारा इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले x निकाल लेते हैं, x क्या होता है, जो ये वर्ग अंतराल दे रखा है इसमें ये वाला जो छोटा नंबर होता है सबसे पहला इसे हम बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं
लोअर क्लास लिमिट और इसे एल वन से प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ जो ग्रेटर नंबर है ये टू, इसे हम कहते हैं उच्च वर्ग सीमा। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है अपर क्लास लिमिट और इसे L2 से प्रदर्शित करते हैं। तो x बराबर होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2, मीन इन दोनों के योगफल का आधा। तो कैसे निकालेंगे, यहां पर 0 और 2 इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है, तो इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 2/2, भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा 1। इसी तरह से ये 2 और 4, इनका भी सॉल्व करना है, तो 2 और 4 होते हैं 6, 6 का आधा कितना होता है 3। इसे हम इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं, जो ये हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, इन वर्ग अंतराल का जो बीच का बिल्कुल मिड का नंबर होता है वही यहां पर लिखते हैं। तो यहां पर 0 और 2 के बीच में आता है 1, तो 1 लिख दिया। 2 और 4 के बिल्कुल बीच में मिलता है हमें 3। इसी तरह से 4 और 6 कितना आ जाएगा 5। नेक्स्ट 6 और 8 के मिड में कितना आ जाएगा 7। नेक्स्ट 8 और 10 के मिड में 9। नेक्स्ट 10 और 12 के मिड में 11। 12 और 14 के मिड में 13। अब क्या करना है, f इंटू एक्स, क्योंकि यहां पर जब हम इसे प्रत्यक्ष विधि द्वारा सॉल्व कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m माध्य, m माध्य m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो यहां पर ये x हमने निकाल लिया है और एफ एक्स ये निकालना है और इसका जोड़। तो पहले एफ एक्स निकाल लेते हैं, f हमें ये दे रखा है, x ये दे रखा है, तो इनका हमें क्या करना है मल्टीप्लीकेशन। तो 1 × 1 कितना मिलेगा 1। इसी तरह से 2 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 2 × 3 = 6। 1 और 5 की गुणा 1 × 5, 5 और 7 की गुणा 7 × 5 = 35। इसी तरह से 6 और 9 की गुणा 54। इसी तरह से 2 और 11 की गुणा 22, 3 और 13 39। इनका हमें क्या करना है जोड़ निकालना है, जो कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मीन्स होता है इनका योगफल। तो एफ एक्स का योगफल करते हैं, 1, 6, 7, 5, 12, 5, 17, 17, 4, 21, 21 और 2, 23, 23 और 9, 32, हां से लगे 3, 3 और 3, 6, 5, 11, 11 और 2, 13, 13 और 3, 16 है, ये मिल गया 162। और यहां पर इसका भी जोड़ कर लेते हैं, तो ये हमें सिग्मा एफ या इसको एन भी कहते हैं, कितना योगफल आएगा 1, 2, 3, 1, 4, 5, 9, 6, 15, 15, 2, 17 और 3, 20, ये हमें मिल गया 20। इस फार्मूले में ये सारी वैल्यू सिग्मा एक्स और ये सिग्मा एफ इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं, क्या मिलेगा सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 162 बटे में ये कितना आया है 20, इसे भाग देंगे 20/8 = 160, पॉइंट लगाया, 2 बचे हुए थे पॉइंट लगाया तो ये हो गया 20, तो 20 × 1 = 20, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 8.1। ये क्या दे रखा था,
पौधों की संख्या, तो इतने पौधे प्रति घर, आंसर। तो माध्य हमारा आ गया 8.1 पौधे प्रति घर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है 5, और क्या है, किसी फैक्ट्री के 50 मजदूरों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए, और यह हमको एक टेबल दे रखी है, और कहा है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के मजदूरों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कल्पित माध्य विधि द्वारा। तो यहां पर हमें क्या क्या दे रखा है, जो ये वर्ग अंतराल है इसे कहते हैं सी आई, मजदूरों की संख्या ये हमें एफ दे रखा है। सबसे पहले हमें एक्स निकालना होता है, जो कि होता है एल वन प्लस एल टू अपॉन टू, याद कर लेते हैं 100 और 120, 100 और 120 के बिल्कुल मिड में वैल्यू जो आती है वो कितनी होती है 110। तो इन दोनों का अगर हम जोड़ करके आधा करेंगे तो हमको यही मिलेगा। ठीक इसी तरह से 120 और 140 के मिड में वैल्यू आएगी 130। नेक्स्ट हो जाएगा हमें मिल जाएगा 150, और नेक्स्ट 170, नेक्स्ट मिल जाएगा 190। कल्पित माध्य विधि द्वारा इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें से कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। तो कौन सा माने, यहां पर हमको कितने वर्ग अंतराल दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें से क्या करते हैं, जितने भी हमें वर्ग अंतराल दे रखे हों उनमें से बिल्कुल बीच वाला, यहां पर ऊपर 2 छोड़ दिए और ये 2 छोड़ दिए, इसे हम मान लेते हैं ए। अब वैल्यू निकालते हैं डी, ये डी क्या होता है, डी होता है एक्स माइनस ए। एक्स ये हमको दे रखा है और ए इसे अंग्रेजी में कहते हैं अज्यूम्ड मीन, यानी कि कल्पित माध्य। तो ये हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहां पर ए एक्स कितना है 110 में से ए माइनस करना है, ए कितना है यहां पर 150, तो कितना आ जाएगा 110 में से 150 जाएंगे माइनस के 40। इसी तरह से नेक्स्ट 130 में से 150 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, माइनस का 20। फिर 150 में से 150 माइनस करने हैं कितना मिलेगा 0। फिर 170 में से 150 माइनस करने हैं कितना मिलेगा 20। 190 में से 150 माइनस करने हैं कितना मिलेगा 40। अब निकालना है f गुणा d। f हमको ये वैल्यू दे रखी है और d ये हमने ज्ञात कर लिया है, इनकी गुणा कर लेते हैं 12 और 40, 12 गुणा माइनस का 40, तो 12 चौक 48 माइनस का 480, इधर 14 दूनी 28 माइनस के 280, 8 की और 0 की गुणा करेंगे तो 0। इसी तरह से 6 और 20 की गुणा करेंगे तो 12 6 दूनी 12 120। नेक्स्ट 10 और 40 की गुणा करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 400। फिर निकालना है हमें सिग्मा एफ डी, कैसे से निकालेंगे, माइनस वाले ये ऐड कर लेते हैं 0 0 0, यहां पर 8 और 8 16 6 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 हासिल का कितना हो गया 7, तो ये हो गया 760। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 760 में से 520 घटाएंगे तो 0 से 0 0, 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 5 गए 2, कितना माइनस का 240 माध्य M। तो कल्पित माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस का
सिग्मा एफ डी अपॉन एन। तो यहां पर ए ये हमने माना था 150, ये ऐसा का ऐसा ही, प्लस सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी की वैल्यू हमने ये निकाली है कितना, माइनस का 240, इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एन ये 50 निकाल लिया है, जीरो से जीरो ये कैंसिल हो गया, इसे 150 ऐसे के ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस, इसे भाग देंगे तो 5 से 24 के लिए भाग दे लेते हैं अलग, 5 चौके 20, कितना बचा यहां से 4, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 5 अट्ठे 40, तो ये हमें मिल गया 4.8। तो इसे माइनस करेंगे 150 में से, तो पॉइंट जीरो लगा लेते हैं, कितने माइनस करने हैं 4.8, तो ये 2 बचा, इधर से ढाई ली तो इधर हो गए 10, 10 में से 8 गया 2, इधर रह गए 9, 9 में से 4 गया 5 और ये 14 है, तो कितना आ गया 145.2। और ये क्या है, दैनिक मजदूरी है, और वो भी किस में दे रखी है हमें, रुपए में, तो इतने रुपए दैनिक मजदूरी हो गई, माध हो गया, और यही आंसर, माध मजदूरी आ गई 145.20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दिखाता है, माध जेब खर्च ₹18 है, तो यहां पर माध हमें पहले ही दे रखा है कितना है ₹18, तो लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात कीजिए, यहां पर हमें ये टेबल दे रखी है और लुप्त बारंबारता ये एफ दे रखा है, इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, x की वैल्यू निकालनी है, जो क्या होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2 निकालते हैं, ये हमें दे रखा है CI क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी f दे रखा है, कैसे निकालेंगे इन दोनों के मिड की वैल्यू, तो 11 और 13 के बीच में कितना आता है 11 और 13 के बीच में 12 है, 13 और 15 के बीच में कितना 14 है, फिर 16 है, फिर 18, फिर 20, फिर 22 और ये 24। अब क्या करना है, इसे हम कल डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो f इंटू एक्स, एफ और x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 7 और 12 की गुणा, 12 सत्ते 84, 6 और 14 की गुणा, 14 छक्के 84, 16 और 9 की गुणा, 16 नेम 144, 13 और 18 की गुणा, 18 तीन 54 के 4 हंसे लगे 5, 18 एकम 18, 18 और 5 कितने हो गए 23, तो 234, 20 और f की गुणा 20 f, इधर 5 और 22 की गुणा कितनी हो गई 22 पंजे 110, नेक्स्ट 24 चौके 96। अब इन्हें जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स, 4 4 8 4 12, 12 4 16 और ये जुड़ेगा नहीं, 16 0 16 है, 16 है और 6 22 का 2 हासिल 2 लगे, और 2 8 10 8 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 और 9 35, 35 के 5 हासिल लगे 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, ये हो गया 752। साथ ही साथ ये संख्या ऐड नहीं हुई थी, तो 20 f ये ऐसे के ऐसे ही, इधर भी इसे जोड़ लेते हैं, कितना 7 6 13, 13 और 9 हो गए 24, सॉरी 22, 22 और 13 हो गए 35, 35 और 5 40, 40 और 4
44 प्लस ये संख्या अभी ऐड नहीं हुई है तो ये ऐसा का ऐसा ही, ये क्या निकल आया एन या सिग्मा एफ। तो यहां पर प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है माध्य एम बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ या एन। तो माध्य हमें यहां पर दे रखा है 18 रुपए और सिग्मा एफ एक्स ये हमने इतना निकाल लिया है 752 प्लस का 20 एफ अपॉन में सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी निकाली है 44 प्लस का एफ। तो ये 44 प्लस एफ कहां आ जाएंगे इधर 18 के गुणनफल में। तो 18 के गुणनफल में 44 प्लस का एफ और इधर 752 प्लस का 20 एफ, ये ऐसा का ऐसा ही रहा। इनकी गुणा करा लेते हैं 18 चौक 72 के 2 हासिल लगे 7, 18 चौक 72, 72 और 7 हो गए 79, तो ये हो गया 792 प्लस का 18 और एफ की गुणा 18 एफ बराबर ये कितना मिल गया 752 प्लस का 20 एफ। अब एफ एफ को एक तरफ कर लेते हैं तो 18 एफ को ले गए इस साइड तो कितना मिलेगा ये 20 एफ ऐसे के ऐसे ही माइनस का 18 एफ, ये 792 ऐसे के ऐसे ही माइनस 752 ले आए इस साइड में तो क्या मिलेगा यहां से 792 से 752 माइनस करेंगे तो यहां पर मिल जाएगा 40 और इधर क्या चल रहा है 20 में से 18 माइनस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2f, 2 से ये कैंसिल आउट करेंगे 2b सम तो f की वैल्यू आ गई 20 और यही आंसर हो गया। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित सारणी, तो सारणी हमें यह दे रखी है कहा है 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दिखाती है तो यह साक्षरता दर हमें दे रखी है प्रतिशत में, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए तो इससे हमें माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है और इसे हम सॉल्व करेंगे कल्पित माध्य विधि द्वारा। तो यहां पर यह हमें दे रखी है सी आई और यह हमें दे रखा है एफ और यहां से ज्ञात कर लेते हैं एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं इन दोनों के मिड की संख्या तो इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच आता है 45 और 55 के बीच में 50, 65 और 55 के बीच में आता है 60, फिर अगला मिल जाएगा 70, अगला 80 और ये 90। क्या करना है ए निकालना है, ए कैसे निकालेंगे इसमें से कुल कितने हमें वर्ग अंतराल दे रखे हैं 1 2 3 4 5 तो बीच वाले को हम क्या करें ए मान लें कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो यहां पर ए जो होता है वो होता है एक्स माइनस सॉरी डी एक्स माइनस ए तो कैसे निकालेंगे एक्स हमें दे रखा है 50 में से 70 माइनस करना है कितना मिलेगा माइनस का 20, फिर 60 में से 70 माइनस करेंगे तो माइनस 10, 70 में से 70 माइनस करेंगे तो 0, फिर 80 में से 70 माइनस करेंगे तो 10, 90 से 70 माइनस करेंगे तो 20। अब निकालना है f गुणा d की वैल्यू तो f d यहां से f रहा 3 और ये माइनस का 20 तो 20 तिया कितना होता है 60, 10 दसावन 100, 11 और 0 की गुणा 0 ही रहेगी 8 दसावन 80 और ये 3 और 20 की गुणा 20 तिया 60। यहां से क्या करना है f सिग्मा f की वैल्यू इसे जोड़ लेते हैं 3 1 4 4 8 12 12 3 15 के 5 हासिल लगे 1, 1 और 1 2 और 1 3 ये आ गया 35 और ये हमें दे भी रखा था 35 नगरों में।
फिर निकाला है सिग्मा एफ डी, तो इसमें प्लस प्लस वालों को और माइनस माइनस वालों को ऐड कर लेना है, तो सिग्मा एफ डी कितना आ जाएगा, यहां पर इसे जोड़ेंगे तो 8 से 14 है, 80 और 60 होते हैं 140, माइनस ये कितने हो गए 160, तो यहां से हमें मिल जाएगा माइनस का 20। माध्य सूत्र होता है एम बराबर ए प्लस का सिग्मा एफ डी अपॉन एन, तो यहां से ए हमने माना है 70 प्लस का सिग्मा एफ डी, ये कितना आया है माइनस का 20 और एन कितना है 35, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, 70 ये 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, तो 7 से इसे माइनस 7 से इसे भाग कर देते हैं, 7 से 4 के लिए पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 7 पंजे 35, 5 बचे, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लिया, 7 सत्ते 49, 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 एकम 7, तो ये आ गया 0.57, तो ये प्लस माइनस माइनस 0.57, 70 में से माइनस करेंगे 0.57, तो इधर 0 बढ़ा लेते हैं, तो इधर 2.5 लेके जाएंगे, इधर हो गया 10, 10 में से 7 गया 3, इधर 9, 9 में से 5 गया 4, इधर 9 और ये 6, तो ये साक्षरता दर आ गई 69.43, और ये हमें साक्षरता दे रखी थी प्रतिशत में, तो माध्य साक्षरता दर कितनी आ गई 69.43 प्रतिशत, और यही आंसर हो गया।